तो दोस्तों अभी जो है हम लोग लक्ष्मणपुर आए हैं और यहाँ पर काफी देर से यह सांप बैठा हुआ है। आइए देखिए येलो कोबरा देख पा रहे हैं दोस्तों। इस कोबरा सांप को शायद गर्मी के कारण यह साइड में छिप रहा है। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। आइए दोस्तों। अरे इस सांप को क्या चोट लगा है, मारा है कोई? नहीं मारा उरा नहीं है इसका। आईसी जैसे है वो इसको मार ही नहीं देंगे। नहीं नहीं खाया इसको, हमको उल्लू को मारा खाया है। नहीं हाँ ये कुछ खाया है, हम बोले कि इसको वही पचा रहा है। आराम कर रहा हूं। तो बड़ा ही अजीब शिकार किया है दोस्तों इस सांप ने। अरे इसका पेट फट जाएगा। तो दोस्तों इसने कुछ बड़ा शिकार किया है, देख सकते हैं यहाँ से क्या है इसका। बाहर नहीं धूप है, बाहर धूप है। तो यहाँ देख सकते हैं शायद इसने कोई बड़ी जैसे लिजर्ड को खाया है इसने। आप देख सकते हैं लिजर्ड का ये शायद मुंह हो सकता है दोस्तों। तो इस सांप को पैक करने में थोड़ी सी समस्या है हमें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यदि हम सांप को पैक कर लेंगे तो इसके लिए खतरा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यह शिकार उगल भी सकता है और शिकार का नाखून वगैरह से आप देख सकते हैं इसका पेट भी फट सकता है। अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए तो शिकार के नाखून से इसका पेट फट सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि सांप को परेशानी हो। और काफ़ी खूबसूरत खतरनाक सांप है दोस्तों, देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और बिल्कुल तंदुरुस्त सांप है और बहुत अच्छी तरह से देख रहा है दोस्तों। इसी को हम लोग जो है कोबरा सांप कहते हैं, नाग सांप कहते हैं, गेहमन सांप कहते हैं और ये दोस्तों जहरीला सांप होता है। तो अक्सर क्या है यह सांप, थोड़ा शांति बनाइए। अक्सर क्या है सांप जब यह बाइट कर लेता है तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस कारण से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन हम बताते हैं कभी भी सांप काटे सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाना है। हमें लग रहा है दोस्तों इसने हाल फिलहाल ही अपनी केचुली उतारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा चमक रहा है यह कोबरा सांप। और स्किन उतारने के बाद दोस्तों सांप भूखा रहता है, क्योंकि जब तक सांप स्किन शेडिंग पर रहते हैं वो छिपे हुए रहते हैं, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है, ठीक से वो शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी वजह से जब इसने अपनी स्किन उतारी होगी और निकला होगा बाहर, तो इसे जो भी मिला उसे इसने खा लिया और खा कर यह वहाँ पचा रहा था उसे। लेकिन क्या है लोगों की नज़रों में आ गया, जिस कारण से इसके ऊपर खतरा बन गया। लेकिन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से इसका ध्यान रखा, इस पर नज़र जमाए रखा और फाइनली हम उन्हें आकर इसे अच्छी तरह से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रणाम कीजिए। काफी खूबसूरत खतरनाक कितना बढ़िया लग रहा है कोबरा। अभी देखो ना वो निकालेगा, ज्यादा इधर उधर करेगा तो उसका पेट फट सकता है, चाहे उसका पेट का नाखून से जो है दिक्कत हो रहा है। हुआ खाया है जिंदा रहे पर चूहा। चलिए डब्बा निकालिए, बड़ा वाला डब्बा निकालिएगा, बड़ा वाला डब्बा लाओ। लाते हैं कहाँ है भेजवाया मैंने। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। अच्छा ठीक है वही हूँ। अरे नहीं है तुम्हें वाला हूँ वो। अरे वही है वही ठीक है। ये बाबू बोले ना बाबू पोसिएगा आप लोग। पोसते आ जाए, आ जाए पोसते।
देखो शंकर भगवान के कैसे चित्र है, देखो तनी तनी जो है ना ये थे अभी लटकाना नहीं है। अरे हेलो चार बजे हम जूतों का रख लेंगे, हम जूतों का लेकर देखो ना अभी तक नहीं मुड़ी मोड़ लाया है। बाप रे भागू करना यहाँ पे भागने का स्थिति में नहीं है, मैं भी भाग गया हूँ, काहे कि खाया हुआ है ना, चलने में भी दिक्कत हो रहा है, इसको बचाने के लिए जगह चाहिए। और ज्यादा हिल डोल करेगा तो अभी जो खाया है उसका नाखून भी रहता है, चोंच होगा, हो सकता है चिड़िया खाया तो उससे इसका पेट फट सकता है। तो दोस्तों आइए अभी से रेस्क्यू कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही प्यार से बड़े आराम से बिल्कुल इसे खतरा नहीं पहुंचाते हुए हम लोग चाहेंगे कि यह डब्बे में चला जाए, अंदर चला जाए। बहुत सावधानी से इसे हम लोग अंदर करेंगे दोस्तों, क्योंकि सांप गर्मी का समय है और ऐसे में यदि इसे हम लोग थोड़ा जोर जबरदस्ती डब्बा में जा नहीं रहा है, उल्टी करते तो दोस्तों फाइनली सांप को अच्छे से रेस्क्यू कर लिया गया है, इसे अभी के अभी हम लोग ले जाकर नेचर में रिलीज करेंगे। उम्मीद है आपको रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आइए इस कोबरा सांप को हम अभी के अभी रिलीज कर दें, क्योंकि इसने शिकार किया हुआ है और ज़्यादा देर तक इसे हम लोग पैक नहीं रखना चाहते, क्योंकि पैक रखने के बाद इसके साथ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि खुली हवा की ज़रूरत है इसे। इसे निकालते हैं हम लोग बड़े ही प्यार से और रिलीज कर देते हैं दोस्तों जंगलों में। चलिए जाइए 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 आप जाइए, हो गया। ये क्या है, लड़ने लगा, कहाँ तक किया भाई तुम, अटको मत, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ खामोशी से और जा। अरे जा बाबा, तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, जा उधर घूमो, देखो बढ़िया जगह छोड़े हैं ना, जा आराम करो। अब देखो हमको देख रहा शैतान बच्चा, चल जा अंदर, जा अंदर चल ना बउआ तुम, अरे अंदर जाओ ना, अरे गुस्सा दिखा रहा है, गुस्साते नहीं घुसाते नहीं, चलिए जाइए, अरे जाइए भाई जाइए 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 जाइए, हाँ चलिए बहुत बढ़िया।